नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक और नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। मैक्रोमीडिया फ्लैश के अंदर बहुत ही सिंपल एनिमेशन आज हम तैयार करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, टूल्स के अंदर आप देख रहे हो कलर्स में, यहाँ पे आपको स्टॉक जो है नो फिल रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो फिल है आपका, फिल के अंदर आप कोई भी ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हो। मैंने रेड ग्रेडियंट कलर को ले लिया। टूल्स में से आपको ओवल शेप लेना है, एक ओवल को ड्रॉ, एक ओवल को ड्रॉ करोगे आप, छोटा ड्रॉ करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर आपको टूल्स में लेना है फ्री ट्रांसफॉर्म, क्लिक करना है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली ये जो टाइमलाइन है आपके पास, टाइमलाइन सेट करना है 80। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से F6 बटन का यूज़ करना है, ठीक है? इसके बाद जो ये ओवल शेप है आपकी, इस शेप को आप एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके आओगे। और लेके आने के बाद ये जो शेप है आपका, इसको आप डिलीट बटन से डिलीट कर देना, ठीक है? इसके बाद जो ये फिल है आपका कलर, मैंने इस कलर को थोड़ा सा चेंज करा है ग्रीन में, और टूल्स में से रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है दोस्तों? फिर वापस से मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को लिया। अब दोस्तों सिंपली आप देख रहे हो कि 1 से लेके 80 के टाइमलाइन के बीच में ये बिल्कुल खाली है। तो बीच में कहीं पर भी आप राइट क्लिक करना, नीचे जाना है, प्रॉपर्टी ऑप्शन होगा क्लिक, और यहाँ पे ट्विन लिखा होगा, ट्विन में नन लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करना और शेप पे क्लिक कर देना, ठीक है? इसको मिनिमाइज कर देते हैं और फिर एंटर बटन दबा के हम यहाँ पे फिर भी देखते हैं। ये देखो दोस्तों, कंट्रोल एंटर करके हम इसको मूवी क्लिप में भी देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एनिमेशन यहाँ पे हमने तैयार की है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवल शेप से रेक्टेंगल शेप में कैसे ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।